हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन योजनाओं में से अक्सर सभी तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सरकार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहली योजना है संपदा, स्कीम फॉर एग्रो मैरिन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और ये दोस्तों जो स्कीम है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और विकास योजना इसको बोलते हैं हिंदी में। और यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, चालू की जाती हैं, और कुछ योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू की जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजना चालू करती है वो पूरे देश में लागू होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो योजना चालू करती है वह केवल उसी राज्य के लिए होती है। अमाउंट एलोकेशन 6,000 करोड़, इसमें जो आवंटित राशि है वो 6,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए आवंटित की गई है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इस योजना के? टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट। इसका जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है वह है कृषि को पूरकता प्रदान करने, प्रसंस्करण की आधुनिकीकरण और कृषि अपशिष्ट को कम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, संपदा के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। संपदा विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद इफिशियंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। इसका जो, इसकी जो भविष्य की पहल होगी वह संपदा से रिटेल आउटलेट के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का सृजन होगा। यह होगी इसकी भविष्य की पहल होगी। तो दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, यही इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये संपदा का मतलब क्या है, पूरा कहाँ से है, किस चीज़ की से संबंधित स्कीम है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आप इस तरह से क्वेश्चन इसके पढ़ लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं इस एग्जाम में। दूसरी स्कीम है उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। उड़ान जो है स्कीम है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लागू की जा रही है स्कीम है। यह स्कीम जनवरी 2017 से लागू की गई है। इकोनॉमिक फ्लाइट्स फॉर कॉमन मैन हु हैव टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली फ्रॉम कॉमर्शियल पर्पसेस। दोस्तों, इस स्कीम को नागर विमानन मंत्रालय ने जनवरी 2017 में लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि आम आदमी के लिए, अक्सर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए यात्रा करते हैं जो, उनके लिए आर्थिक उड़ानों का सहारा मिल सके। जो भी आम आदमी है वो यह उड़ान का सहारा लेकर अपना जो कमर्शियल उनकी जो जर्नी है वह कर सके, उसके लिए होता है आम आदमी उड़े। जैसा कि इसके नाम से दिया गया उड़े देश का आम नागरिक, तो इससे काफ़ी क्लियर है कि देश के सभी नागरिक जो है इस स्कीम से का फायदा लेके उड़ सकते हैं, फ्लाइट की जर्नी कर सकते हैं। ए पर्सन कैन बाय 9 to 40 सीट्स विद ओनली 2,500 पर आवर पर सीट फॉर 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक व्यक्ति प्रति सीट 2,500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से केवल 9 से 40 सीटें खरीद सकता है। जैसे कोई टीम वगैरह जा रही हो, बिजनेस मैन लोग अपनी टीम लेके जाते हैं, तो 9 से ज़्यादा लोग उनको लेके जाना है तो अपनी टीम ले जा सकते हैं। और एक घंटे 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए एक घंटे का जो रेट है इसमें 2,500 रुपये हैं। तो यह इकोनॉमिकल फ्लाइट्स की स्कीम है।
अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसको किसने लागू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है इसको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है। स्कीम देख लेते हैं क्या है। पेनल्टी ऑन दोज हुज ब्लैक मनी इज डिस्क्लोज्ड, जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी यानी कि काला धन का खुलासा होने पर उसके लिए पेनल्टी का यानी कि दंड का प्राविधान इस स्कीम में किया गया है। जनरल प्रोविजन क्या है इसका? 200% टैक्स फॉर मिस रिपोर्टिंग, 50% टैक्स फॉर अंडर रिपोर्टिंग। अगर आपने गलत सूचना दी है तो गलत रिपोर्ट दिया है तो 200% टैक्स आपके ऊपर लगेगा, 200% टैक्स लगेगा। और अगर आपने रिपोर्ट कम दिया है इसको, मतलब अंडर रिपोर्टिंग की है, अंडर रिपोर्टिंग की है, जितना अमाउंट है उसको पूरा रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपको 50% टैक्स लगेगा। अनडिस्क्लोजर एग्जिस्टिंग 30% चार्ज फ्लैट प्लस सर चार्ज प्लस 33% सेस 50% टोटल। प्रपोज 60% चार्ज फ्लैट प्लस 25% सर चार्ज प्लस सेस चार्ज टोटल 75%। ये इसका जो जनरल प्रोविजन था पहले, ये जनरल प्रोविजन था 200% टैक्स लगता है मिस रिपोर्टिंग के लिए और 50% टैक्स जो लगता था अंडर रिपोर्टिंग के लिए। अब ये डिस्क्लोज करने पर एग्जिस्टिंग अभी क्या चल रहा था? वो चल रहा था कि 30% चार्ज आपका फ्लैट चार्ज लगेगा, 30% आपके ऊपर लगेगा प्लस सर चार्ज लगेगा प्लस 33% सेस लगेगा, टोटल 50% आपको देना होता था अन डिस्क्लोजर पे। एग्जिस्टिंग स्कीम ये थी। प्रपोज क्या की गई है इसमें, नई स्कीम क्या लाई जा रही है, 60% चार्ज फ्लैट प्लस 25% सर चार्ज प्लस सेस सब मिला के 75% टोटल पड़ेगा इसमें। फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है? ए स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग एवरी पीपल ऑफ द कंट्री। इसका जो है भविष्य की जो पहल है इसकी, देश के विकास के प्रति एक कदम और देश के हर व्यक्ति के बीच आय का समान वितरण, यह इसका जो है फ्यूचर एक्सपेक्ट है इस स्कीम का। अगली स्कीम देखते हैं ऑपरेशन क्लीन मनी। यह स्कीम कौन चला रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ चलाई जा रही है स्कीम। लॉन्च की गई है 31 जनवरी 2017 को और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का ये देखते हैं। टू एक्सट्रैक्ट ब्लैक मनी डेट अर्थन द सोसाइटी, समाज की गर्त में छुपे काले धन को बाहर निकालना। समाज के गर्त में छुपे काले धन को बाहर निकालना, जो ब्लैक मनी जो बिल्कुल हिडन है सोसाइटी में उसको बाहर निकालना है, डिग आउट करना है उसको। अबाउट स्कीम के बारे में क्या बोलता है? ट्रैक ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस मेड बिटवीन 9 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016 एंड इफ एनी मिसमैच फाउंड इन फाउंड इन। इसमें जो है 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 16 के बीच में किए गए सभी नकद भुगतान को ट्रैक करने के लिए किया गया है। यदि किसी के खाते में कोई गड़बड़ मिलती है तो इसमें उसको दंड दिया जाएगा। जीएसटी बिल गुड्स जीएसटी, यहाँ से देखिए क्लियर है दोस्तों। गुड्स जी फॉर गुड्स है, एस फॉर सर्विसेज है, टी फॉर टैक्स है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था एग्जाम में, इसमें जीएसटी ही छाई हुई है। जीएसटी का एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है, आप एग्जाम में इतना मान के चले कि जीएसटी का एक क्वेश्चन पक्का रहता है, चाहे वो पीसीएस का हो या फिर किसी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर क्यों ना हो, जीएसटी का एक क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा। तो जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, टी फॉर टैक्स। वस्तु सेवा टैक्स गुड्स सर्विस टैक्स स्कीम का नाम है इसमें, और इसमें जो है वस्तु सेवा टैक्स है। और इस स्कीम में
टैक्स बिल इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंडिया। माल और सेवा पर विधेयक भारत भर में किसी भी सामान और सेवाओं के निर्माण बिक्री और उपभोग पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है। यह इन इंडिया सेवरल स्टेट टैक्स आर लेविड इन दिस थ्री मेंशन्ड प्रोसेस। भारत में इन तीन उल्लेखनीय प्रक्रियाओं में कई राज्य कर लागू होते हैं। बहुत से तरह के राज्य कर इसके अंदर आ जाते हैं। आफ्टर जीएसटी देयर विल बी ओनली वन टाइम टैक्स। जीएसटी के बाद अब केवल एक तरह का टैक्स हो गया है, विच विल बी लेविड, जो कि लिया जाएगा ऑन द गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। भारत की सीमा के भीतर जो भी वस्तु और सर्विसेज ली जाएंगी, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और गुड्स यानी वस्तुएं जो कंज्यूम की जाएंगी भारत की सीमा के भीतर, उन पर केवल एक ही प्रकार का टैक्स अब लिया जाएगा जीएसटी लागू होने के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्स इट वन नेशन वन टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने हमारे इसको वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स का नाम दिया है। आफ्टर पासिंग ऑफ द बिल सप्लायर्स विल हैव टू बियर वन टाइम इनडायरेक्ट टैक्स फॉर देयर बिजनेस। केवल एक बार सप्लायर्स को टैक्स पे करना है अपने बिजनेस के लिए। इसके अंदर जो प्रपोज रेट आए हुए हैं वह 5 कैटेगरी में है, 0%, 4%, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कुछ वस्तुएं 0% में रखी गई हैं, यानी कि जीएसटी के बाहर हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें खाद्य पदार्थ वगैरह ज़्यादा आते हैं, फूड ग्रेन्स इसमें ज़्यादा आते हैं, 5% टैक्स है, उस पर 12% टैक्स है, फिर 18% टैक्स है, फिर 28% टैक्स है। यह जो इसका स्लैब बढ़ रहा है 5 से लेकर 28 तक बढ़ रहा है, यह टोटल जो है वस्तुओं की डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कोई भी वस्तु जितनी लग्जरियस होती जाएगी उसका रेट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और जितनी ही ज़रूरत की चीज़ रहेगी, डे टू डे यूज़ की चीज़ रहेगी, उसका टैक्स घटता जाएगा। इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना लाइफ संभव नहीं है, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी काउंसिल हेड अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल के हेड हैं। जीएसटी कमेटी हेड अमित मित्रा जीएसटी कमेटी हेड थे। रोल आउट डेट 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गई है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई है और संविधान में 102वां संविधान संशोधन के थ्रू जीएसटी लागू हुई है भारत में। लकी ग्राहक योजना एंड डिजी धन व्यापार योजना लॉन्च बाई नीति आयोग। नीति आयोग ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन योजना, धन व्यापार योजना को लागू किया। नीति आयोग ने इसको शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज कस्टमर्स मर्चेंट्स फॉर ट्रांजिशन टू डिजिटल पेमेंट्स इन पोस्ट डिमोनिस्ट्रेशन। विमुद्रीकरण के पश्चात में डिजिटल भुगतानों को और बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन इसका जो इसके बारे में जो है वो दिस स्कीम एम्स टू गिव कैश अवार्ड। यह स्कीम क्या करती है, कैश अवार्ड देती है टू द कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स। कंज्यूमर्स को भी देती है, मर्चेंट्स को भी देती है, मतलब कि उपभोक्ता को भी देती है और व्यापारी को भी देती है। हु यूटिलाइज डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, उन
उपभोक्ताओं को और उन व्यापारियों को कैश अवार्ड यह स्कीम देती है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? NPCI। NPCI इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। भीम ऐप के थ्रू हम लोग जो भीम ऐप के थ्रू जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, पेटीएम के थ्रू जो करते हैं, यह सब इसी ये सब जो ऐप है उसके थ्रू जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। आप पेटीएम से पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो अगर लकी आपका नंबर आएगा, लकी कंज्यूमर आप बनेंगे, तो आपको कैश अवार्ड मिलेगा। इसी तरह से मर्चेंट जो रिसीव करते हैं ये पेमेंट, वो भी स्कीम में आएंगे, लकी सिलेक्ट किए जाएंगे तो उनको प्राइज मिलेगा। फोकस क्या है? ब्रिंगिंग द पुअर, लोअर मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेस इनटू द डिजिटल पेमेंट फोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड इट्स फोकस ऑन सिंस विद इन द रेंज ऑफ 50 and 3000। इसका जो है गरीब, निचले, मध्य वर्ग और छोटे व्यवसायों को डिजिटल भुगतान में लेन के लिए प्रयास करना और 50 से 300 रुपये के भीतर लेन देन को भी इसी दायरे में लाना है। 50 रुपये से 3000 रुपये तक का जो भी लेन देन होगा इसको इस दायरे में लाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह योजना लागू की है। इट विल प्रोवाइड ए फुल न्यूट्रिशियस मील टू पुअर पीपल वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ ₹5। इस योजना में क्या है? यह गरीब लोगों, श्रमिकों और उनके परिवार को मात्र ₹5 में सब्सिडी वाला भोजन प्राप्त करवाएगी यह स्कीम। और दोस्तों यह स्कीम जो है लागू की गई है, इससे पहले एक स्कीम लागू की गई थी, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सच स्कीम। यह स्टेट यह स्कीम जो सबसे पहले लॉन्च की गई थी तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी, अम्मा कैंटीन के नाम से लॉन्च की गई थी और राहुल गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो यह स्कीम जो है इंडिया में सेकेंड स्टेट में लागू की गई, सबसे पहले तमिलनाडु में लागू की गई थी। अम्मा कैंटीन उसका नाम है और यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना नाम है। तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अम्मा कैंटीन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दोनों स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम में किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है। साथ का फुल फॉर्म ही काफ़ी है, यही कई बार आता है, साथ का फुल फॉर्म आता है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इस योजना को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। विजन क्या है इस योजना का? टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में द प्रोग्राम एड्रेस्ड द नीड एक्सप्रेस्ड बाय मेनी स्टेट्स फॉर टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम नीति। प्रोग्राम का जो है यह किस तरह की नीड स्टेट को है, टेक्निकल सपोर्ट किस तरह का चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 फ्यूचर रोल मॉडल स्टेट्स फॉर हेल्थ सिस्टम्स। और उद्देश्य इसका एक और है, इसका आइडेंटिफाई करना है और रोल मॉडल स्टेट बनाने हैं हेल्थ स्कीम्स के लिए। रोल मॉडल स्टेट बनाने, तीन रोल मॉडल स्टेट बनाने हैं इसके लिए। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई नीति आयोग। नीति आयोग विद मिकेंसे एंड कंपनी एंड IPE ग्लोबल कंसोर्टियम हु आर सेलेक्टेड थ्रू ए कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये लोग सेलेक्ट हुए हैं और ये नीति आयोग के थ्रू काम करेंगे, नीति आयोग के साथ काम करेंगे। टू सेलेक्ट द 3 मॉडल स्टेट्स, नीति डिफाइंड ए 3 स्टेज प्रोसेस। 3 मॉडल स्टेट जो सेलेक्ट करने हैं उसके लिए नीति ने जो है 3 स्टेज प्रोसेस बताया हुआ है।
एक्सप्रेशन टू इंटरेस्ट, आपकी रुचि क्या है, रुचि बताना पड़ेगा, प्रेजेंटेशंस बाय द स्टेट्स, स्टेट्स का प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, असेसमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म, नीति इन्वाइट्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। नीति ने सभी राज्यों को और सभी स्टेट्स को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम थी, ये सभी सरकारी स्कीम्स थी जो कि आजकल जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें ये पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस को हमारे आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स के लिए, और जो लेक्चर्स हमने करीब 20-25 लेक्चर हमने अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे, उसको भी आप देखिए और उसका लाभ लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।